अभी एक और न्यूज आया कि क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आप क्या कहना चाहते? मैं समझता हूं इमरान खान ने वही किया जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी ने किया था। उसने देखा कि ईमानदारी से साफ साफ बात करे तो इलेक्शन में सीट्स नहीं आ रहे, तो अब क्या करना, थोड़ा सा कुछ ऐसा चमत्कार बताना कि कुछ ना कुछ काम बन जाए। तो अब उसने क्या किया, उसने कट्टरपंथियों का साथ दिया। हमारे पास आरएसएस का, वीएचपी, बजरंग दल का साथ मोदी जी ने दिया था, और शमशान और खबरस्तान की पॉलिटिक्स लेकर आए थे। योगी जैसे नेताओं को सीएम बनाया जो क्रिमिनल थे, जिन पर कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं, उनको नेता बनाया। वही स्ट्रैटेजी आज इमरान खान ने चली है, कट्टरपंथियों का साथ दिया, रात रात पाकिस्तान को ब्लैक से वाइट करने का ख्वाब दिखाया, करप्शन ख़त्म करने का ख्वाब दिखाया, और बहुत से ख्वाब दिखाए आम जनता को कि हम गवर्नर हाउस को में गवर्नर को नहीं रखेंगे, बल्कि उसको होटल बना के आपको उसकी आमदनी देंगे, मैं पीएम हाउस में नहीं रहूँगा, मैं बिल्कुल अपने घर में रहूँगा और बिल्कुल वो पैसे बचाऊँगा, वगैरह वगैरह, लाल बत्ती हटाएंगे जैसा मोदी जी वगैरह लेकर आए थे, फिर जाके 1500 करोड़ बाहर के फॉरेन ट्रिप्स पर खर्चा करके आ गए, उन्होंने 20 लाख का सूट पहन लिए, लाल बत्ती हटी, कामा पूरे लाल बत्ती से खतरनाक चल रहे, फिलहाल दो दो लाल बत्तियों के चल रहे। इमरान खान भी खाबा बहुत दिखा के आ गए, अब डिलीवर कितना करेंगे आने वाले 4 साल बताएंगे, अपने को 5 साल बताएंगे।